Hi everyone, a very good morning. Not good morning, technically good afternoon. So आज है मेरा लेह लद्दाख का day टू, और day टू पे क्योंकि day जो वन था that was quite exhausting for me. तो इतना ज़्यादा मेरे को exhaust feel हो रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ जाए वहाँ जाए ये करे वो करे, तो मैंने कुछ प्लेसेस तो पैदल एक्सप्लोर कर लिए थे, अपने ब्लॉग में देखोगे. और बाई डिफॉल्टली मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं अपलोड कर पाऊँ एनी वे कुछ भी, तो मतलब और मैंने ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई थी. बट आज की प्लानिंग ऐसी है कि आज मैं यहाँ से स्कूटी ले रही हूँ अपने हॉस्टल से, और एज लाइक आई एम द सोलो वन, तो स्कूटी लेकर मैं जाऊँगी यहाँ से हॉल ऑफ फेम और कुछ मॉनेस्ट्रीज है, देन मैं देखूँगी उस साइड जाकर पत्ता साहिब गुरुद्वारा भी शायद उसी नोट पर पड़ेगा, वहाँ जाऊँगी. संगम जाना है, बहुत सारी जगह हैं मतलब इन अ वन वे. सो लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से आज एडवेंचर चलता है, बिकॉज आई एम क्वाइट एक्साइटेड दिस टाइम, बिकॉज दो इट्स अ 100% सोलो ट्रैवल, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे बोलना पड़ेगा. हॉस्टल में भी कोई नहीं मिला मुझे अभी तक, ऐसा नहीं मिला कि कोई भी जहाँ मैं जाना चाह रही हूँ या somebody will join me, बिकॉज दैट इज़ अ ट्रू पार्ट अबाउट द ट्रैवलिंग. वंस यू आर ट्रैवलिंग, जब भी सोलो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास में समटाइम्स तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि डोंट हैव एनी वन, यू जस्ट हैव यू एंड योर कंपनी एंड just need to spend time with you, and इतना ही सामान carry करो जितना you can, just like जितना तुम bear कर सकते हो उस चीज़ को, and somehow I did this so. तो अभी तो मैं यही सारी चीज़ें कर रही हूँ. ऑल दो एवरीथिंग इज़ गुड नाइस वेल थैंक्स, सब कुछ अच्छा चला गया. मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया अपना, थोड़ा लेट हो चुका है, 2 बज रहे हैं ऑलरेडी, लंच का टाइम हो चुका है वैसे तो, बट मैं अब यह है कि मैं 4-5 बजे तक बहुत सारी जगह कवर कर लूँ 3 घंटे के अंदर, एंड स्ट्रेट देन उसके बाद में आई सिट इन अ कैनी कैफ़े, और मैं उस कैफ़े में बैठ के फिर मैं उसके बाद में देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना. बट दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट आई नीड टू डू टूडे. रेस्ट कल देखते हैं कल का क्या करेंगे. और माउंटेन्स देखो कुछ ऐसा नज़र आ रहे हैं मेरे यहाँ से, दिख रहे होंगे अगर तुम्हारे को, तो वेदर आज लद्दाख का इट्स नॉट इन हैंड. अभी तक धूप थी बट अब धूप नहीं है, और कुछ नहीं पता क्या कैसा वेदर टर्न आउट हो जाए, तो होप फॉर द बेस्ट. लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्ट दिस व्लॉग एंड विश यू गुड लक. और फ्लाइट जा रही है मेरे सर में से. तो देखो मैं तैयार हो चुकी हूँ ये ग्लव्स पहन के यहाँ से, स्कूटी उठा के अपने मतलब हॉस्टल भूषा से अब मैं यहाँ से निकलूँगी आगे की तरफ जितना रास्ता पता है. ना मेरे पास नेटवर्क है ना मेरे पास कुछ है, तो रास्ते में पूछते पूछते जाऊँगी सबसे कैसे पहुँचना है कैसे नहीं पहुँचना है. होप फॉर द बेस्ट, विश मी अ गुड लक फॉर इट, एंड लेट्स सी हाउ दिस राइड टर्न्स आउट इन लद्दाख. लेट्स गो. तो ये हमने करवा लिया फ्यूल अप यहाँ से जाने के लिए, और कितने 200 है. 100 का नोट नहीं है. लो कैसे कैसे करके रख रखे हैं पैसे, जैसे जिसने दिए ऐसे करके और मेरे हाथ से भी रखे हैं. सही है, अच्छा करके रखा. हाँ हाँ, तो अभी यहाँ से निकलूँगी. यहाँ हॉल ऑफ फेम के लिए बताया उन्होंने, इस लेफ्ट की तरफ सीधा सीधा रास्ता लेना हाईवे की तरफ. पता नहीं कैसा रूट है, रूट तो बता रहे साफ रूट है ना, सही सही रूट है, सारा साफ रूट है. वैसे चलते हैं देखते हैं लचकी. सो पिछले आधे घंटे से मैं रोड पे खड़ी हूँ, सिर्फ ये देख रही थी कि मैं गोप्रो का कैमरा अपने हेलमेट पे कैसे फिक्स करूँगी. वो तो मैं फिक्स नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से करना है, एंड आई डोंट हैव द नेटवर्क कनेक्शन. दो दिस इज़ द रूट यहाँ से जो जाता है, अब यहाँ से हाईवे स्टार्ट होएगा, इस हाईवे से हम स्टार्ट करेंगे. अब मुझे नहीं पता किस तरीके से कितनी स्पीड में लेके जाना, हाईवे इज ऑल अबाउट स्पीड. तो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्ट दिस. और मैं थोड़ा थोड़ा दिखा पाऊँगी बीच पे, तो थोड़े थोड़े को एडजस्ट करना, फिर उसके बाद में मैं कहीं रुक कर देखती हूँ पहले कि यहाँ पे क्या देखने वाली चीज़ है, एंड देन किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं. तो बहुत देर की जद्दोजहद के बाद में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था बीच में एक तो स्कूटी वर्क नहीं कर रही है, कुछ इसका फ्यूल का इशू हो रहा है, फ्यूल का वो बटन नहीं, फ्यूल और सीट वाला बटन नहीं चल रहा है. तो कुछ 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैवल करके हाईवे पे आते ही मैं यहाँ पे आ गई हॉल ऑफ फेम पे, जो जो कवर्ड है और जो सिक्योरिटेड है बाय दी इंडियन आर्मी. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, तो अंदर जाकर देखेंगे क्या क्या किस चीज़ का क्या चीज़ें हैं, कितना देख सकते हैं. वेल लुक आई शो यू, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, मतलब ये सराउंडिंग है जो हॉस्टल से दिखती है बट कम दिखाई देती है. वेल बीच में बहुत सारी जगह दिखाई थी जहाँ पे मुझे लग रहा था रोकना चाहिए. मैं थोड़ा चेक करूँगी कि क्या क्या मैं अपने गोप्रो में कुछ और ऐड कर सकती, बिकॉज मैंने पहले इससे पहले सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से हेलमेट पे लगा के मुझे कभी एडवेंचर करना पड़ेगा, तो समहाउ आई नीड टू प्लान इट अवेयर अबाउट इट. तो अभी अंदर जाकर देखते हैं
एंड टाइम हमारे पास में 2:40 हो रहे हैं, तो हमें एनी वे करके 5 बजे तक सब कुछ खत्म करना है ताकि मैं मार्केट जा पाऊँ, आई कैन सिट एंड डू रिलैक्स। बट इतना ज़्यादा कोई हश पो नहीं है, कोई रश नहीं है, आज नहीं तो कल देख लूँगी ज़्यादा है तो। बट इंडियन आर्मी के अंदर है हॉल ऑफ फेम, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल हैं, मेरी स्कूटी बीच में एकदम से ऐसा हो गया, मैं रुक कर खड़ी होगी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे आकर पूछ लिया कि डू यू नीड हेल्प, कुछ ज़रूरत चाहिए, तो शायद नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे लोग है एक्चुअली हेल्पफुल, बस आपको बोलने का और देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो मेरे को तो हमेशा ही अच्छे लोग मिले हैं। लेट्स गो, आई विल शो यू अराउंड कि किस तरीके से हॉल ऑफ फेम दिखता है एंड किस तरीके से आई एम क्वाइट एक्साइटेड राइट नाउ। तो इट्स गॉट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इनका एक कैफ़े भी है, अरोमा कैफ़े, और कुछ हॉल ऑफ फेम का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ से बाहर से, तो कुछ आपको ना ये दिखाई देंगे खड़े हुए टैंक्स, जो हमारे टैंक्स है। तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी प्राउडी सिचुएशन व्हेन वी सी दिस थिंग, जब भी कभी मैसा देखते हैं ना तो बड़ा प्राउड फील होता है कि यार देश के लिए देखो ना कितना सब कुछ चल रहा है, कितना कुछ कर रहे हैं लोग, और हमारी इंडियन आर्मी कितना कुछ कर रही है, इतना सर्व कर रही है, हम लोग फिर भी बस उसी चीज़ में रह गए हैं। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ क्वाइट वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इन्हांसिंग, एंड आई 100% श्योर कि आप जब कभी भी आएंगे ना, दिस प्लेस इज़ मस्ट विजिट। मैं अभी अंदर नहीं गई हूँ, बट लद्दाख इज़ लाइक समथिंग यू शुड बी कीप इन दिस योर बकेट लिस्ट, आना चाहिए आपको। और क्योंकि मैं 2 जगह व्लॉगिंग कर रही हूँ, मिनी व्लॉग भी कर रही हूँ, तो मुझे फ़ोन भी रिकॉर्ड करना है एंड यहाँ भी रिकॉर्ड करना है। आई विल शो यू अराउंड। जैसे कि मैं बता रही थी कि टिकट्स जो उसकी है वो 125 रुपीज़ के इंडियन के लिए, 250 रुपये आई गेस कुछ इनका वो है, कुछ कम्बाइंड है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। और फॉरनर्स के लिए आई गेस दैट इज़ समथिंग लाइक दैट, वो 250 नहीं है, 125 है, विच इज़ द गुड अमाउंट आई वुड से। और यहाँ से हॉल ऑफ फेम स्टार्ट हो जाते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने देखो व्लॉगिंग करनी स्टार्ट तो करी है, बट ये हॉल ऑफ फेम है एंड जो आप देखोगे तो आवाज गैलरी है जिसके अंदर यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ लद्दाख के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि लद्दाख किस तरीके से प्रोसीड किया गया है, क्या क्या इसके हाई पासेस हैं, कौन कौन सी जगह है। और ये कुछ जो नीचे यहाँ पे सामान रखा हुआ है, ये घर के सामान है, बट ये है कि हाई एल्टीट्यूड में लोग, मतलब जो पहाड़ पर रहते हैं, जो लद्दाख में लोग रहते हैं, वो लोग पुराने लोग वो कैसे क्या क्या बर्तन यूज़ करते थे, तो सारी चीज़ें रिजर्व करके रखी हुई, विच इज़ द गुड पार्ट। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी है, मतलब आप ये देखोगे ये स्टैचक विश्व, ये जो देखो है तो ये शायद है किसी को बांधने के लिए है, एनिमल को बांधने के लिए, देखो एनिमल्स को बांधने के लिए रखा हुआ है। ये है चूर्ण फॉर द गुरगुर, गुरगुर इज़ अ स्पेशल टी मेड ऑफ द मिक्सिंग एंड एग्स बटर स्वीट सोडा टी मिल्क शुगर एंड काइंड ऑफ इसके अंदर बनती थी ये कुछ इस तरीके से। शिंगजू वीविंग टूल है ये, और ये क्या है शिंगॉग पोर एंड वीविंग बॉट है, टी स्पॉट है, की ही बेरी है जिसका जूस मैंने कल सुबह पिया था, विच वॉज़ वेरी टेस्टी, सिमिलर लाइक टू द जैसे माल्टा जूस होता है ना, ऐसा समथिंग कुछ लगेगा, बेरी का जूस है इस तरीके से देखोगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार ये तो, मतलब आई हैव सीन लाइक चिकन,
एंड ये इनका कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं कि किस तरीके से ट्रेडिशनल आउटफिट्स लोग वेस्ट लद्दाख में वॉरियर्स कैसे कपड़े पहनते थे, ईस्ट लद्दाख के अंदर लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, लड़के लड़कियों के लिए आउटफिट ये कुछ, देखो कुछ भी बोलना पड़ेगा, लद्दाख में लड़के सुंदर होते हैं ये तो मुझे दिख गया, क्लीन शिट एंड सुंदर लड़के, तो दिस इज़ ऑल समथिंग। और कुछ नीचे भी यहाँ पे इनके आर्ट कल्चर्स दे रखे हैं, दैट इज़ लड्डूज ये बनाने का है, ये ब्रास केटल कुछ करके टी, इनकी केटल टी है, इनका मास्क है, देखने में बहुत ड्रामा लग रहा है, जो कुछ ये चीज़ें हैं, तो मतलब यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ है, राइफल्स है, देखो ये राइफल्स पुरानी इनके, जो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट दीज थिंग्स, राइफल्स देखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो अभी तो ये वाली फर्स्ट है, अभी अंदर जाकर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम देख पाते हैं वहाँ पे, तो लेट्स गो। दो देयर इज़ अ लाइट जो है थोड़ी सी कम है, बट यू शुड नो अबाउट दिस। नाउ ये एक एरिया है जहाँ पे पता लगता है कि हमारे कौन कौन से सोल्जर्स को परमवीर चक्र मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, नायब सूबेदार सिंह कैप्टन मनोज कुमार पांडे, वीरेंद्र युगेंद्र, कैप्टन विक्रम बत्रा, दैट वी गॉट टू नो कैप्टन बत्रा की, विक्रम बत्रा के बारे में। तो मैं अभी हूँ मेमोरियल पे, यहाँ पे जहाँ बताया गया है कि हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, लद्दाख में सिक्योरिटीज़ के लिए जितने भी हमारे जवान हैं जिन्होंने जिस समय पे शुरुआत करी थी, और हम घर में अब आज बैठ के जितना भी सिक्योरिटी से हम सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी घर का, किसी माँ का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी का भाई बॉर्डर पर रक्षा कर रहा होता है। और आज वो देख के थोड़ा सा मन एकदम से सहम सा उठ गया है, बहुत थोड़ा सा सूदिंग ऐसा हो गया है कि सोबिंग सा नहीं हो चुका है इस चीज़ को देखकर, पेपर शब्द नहीं है शायद कहने के लिए। मैं एक मेमोरियल पे हूँ जिस मेमोरियल पे यहाँ तक आज तक की लद्दाख की सिक्योरिटी में जितने भी जवानों ने अपना शहीद हुए, अपनी जान गंवाई है, देश के लिए जान नौछावर करी है, उनका नाम यहाँ पे मेमोरियल्स के अंदर है। और आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, बट इस रिबन के आगे जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि नहीं अलाउड है, तो जितना है मैं इसको अंदर एक शॉर्ट क्लिप्स के साथ मैं ऐड कर दूंगी जिसमें आपको दिखा दूंगी मैं कुछ आसपास का एरिया ऐसे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जूम करके फ़ोन से मैंने शॉट ले लिया है ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं, और देखने के बाद में आप इस प्लेस पे मतलब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मेमोरियल जब होता है, या फिर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, आज मैं थोड़ा स्पीचलेस हो जाती हूँ, ऐसी चीज़ों से मेरा मन थोड़ा सहम उठता है। तो सल्यूट करते हैं उनको, हम उन जवानों को, उन देश के नौजवानों को, उन माँ के बेटों को जो देश के लिए मतलब जान लुटाने के लिए तैयार हैं और कहीं भी सिक्योरिटी कर रहे हैं। आई एम स्टिल प्राउड ऑफ़ यू, वी आर प्राउड ऑफ़ यू, वी आर हैप्पी, एंड मतलब वी डोंट हैव एनी थिंग्स टू से, बस आज आप यहाँ देखकर मुझे सर लग रहा है कि आप इसको देखोगे तो आप थोड़ी देर के लिए नम हो जाओगे, तो दिस इज़ अ थिंग प्लेस एंड यू नीड टू सी। नीचे से आइस जो है मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद वो जो है दरारे हो जाते हैं नीचे, बड़ा दरारे बन जाते हैं उसके अंदर चढ़ जाते हैं, इसीलिए हम लोग केरो हीटर यूज करते हैं। अभी भी केरो हीटर जो है नीचे वाला पोर्शन जो है गोल होता है, उसके अंदर केरोसिन डालते हैं, फिर यहाँ तक इस तरह होगा, ऊपर वाला भी गोल होता है, उसके ऊपर बत्ती होता है, नीचे से केरोसिन को खींच के आता है, ऊपर बत्ती जलता है तो नीचे गर्म नहीं होता, तो इसीलिए उसके ऊपर बर्तन डाल के पानी आइस को तोड़ के उसके अंदर भर के रखते हैं, तो वो दिन भर चरों वहाँ पे जला के रखते हैं, तो टेंट जो है गर्म रहता है, थोड़ा बहुत टेंट यूज होता है। एक्चुअल में कहाँ से आता है, बड़े बड़े देशों से आते थे, अकोमोडेशन के लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इसका छत भी आइस का है, दीवार भी आइस है। सो इस तरीके से मेरा हॉल ऑफ फेम का यहाँ पे टूर खत्म होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी यहाँ पे जो कि बहुत हार्ट टचिंग थी, और डेफिनेटली मेरे पास में शब्द नहीं है कहने के लिए, दिस टाइम समवेयर स्पीचलेस। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे होते हैं कि इट्स वेरी इजी टू लिव, जिंदगी में बहुत सारी मुसीबत आ रही है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सोच कर देखो सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ ना कर पाए तब कैसा लगेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली विच इज़ हॉल ऑफ फेम के अंदर। डेफिनेटली वेन एवर यू आर विजिटिंग हेयर इन लद्दाख आप ज़रूर आइएगा, हाई 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 रिकमेंडेशन फॉर यू टू विजिट दिस प्लेस। एंड मैं जाती हूँ यहाँ से, आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस ट्रिप अगैन,
ओवर हियर और मुझे बैग लेना है क्योंकि अब यहाँ से पत्थर साहिब गुरुद्वारे जाना है। मीनवाइल ड्राइव, मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, यहाँ मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे लद्दाख की यूनिवर्सिटी है और आप देखोगे कि इस यूनिवर्सिटी में इट्स लाइक अ प्रॉपर लैंड, जस्ट पूरा खाली लैंड है और पीछे जो वहाँ दिख रहा होगा वहाँ पे है वो लद्दाख की यूनिवर्सिटी एंड उस यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर खड़े हुए हैं अभी भी। मतलब आप सोच कर देखो, यू कैन लिव ओवर हियर, यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट। स्कूटी पीछे की तरफ जा रही है, व्लॉग यहाँ पे रुक कर मैं आगे की तरफ रोड दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट द लाइफ सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी और पत्थर साहिब गुरुद्वारे को ढूंढते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। यूनिवर्सिटी दिखाना इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं रुक कर दिखा दूँ आपको कि यूनिवर्सिटी कैसी है। और मैं तो मैं आ चुकी हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारे पे, मेरे पीछे बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे गुरुद्वारे पे है, मैं गुरुद्वारा है और इस तरीके से यहाँ पे ये लद्दाख का मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट का यहाँ पे गुरुद्वारा है कॉल पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पे सब लोग आते हैं और प्राउडली बोलते हैं कि इंडियन आर्मी के थ्रू ये मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ रूल रेगुलेशन सारी इंडियन आर्मी के थ्रू है, तो आप सोच कर देखो हमारी इंडियन आर्मी कितना कुछ कर रही है। लद्दाख इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट टू सीइंग द ले, इट्स ऑल अबाउट ओवर हेयर टू सी लॉट्स ऑफ ब्यूटी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। यू शुड कम एंड ट्राई विजिटिंग हेयर। ठीक है, मैंने स्कूटी की चाबी निकाल ली है, मुझे एक बार चेक कर लूँ नीचे, मुझे स्टिल आई हैव अ डाउट ऑन। यस ठीक है, तो बस अब यहाँ से जाते हैं, फिर उसके बाद में संगम की तरफ जाना है बिकॉज टाइम ज़्यादा हो रहा है एंड सनसेट होने लगेगा, अंधेरा होते के साथ ही पहुँच भी नहीं पाऊँगी मैं वहाँ पे। तो मुझे नहीं पता गुरुद्वारे के अंदर कितना शूट करने देंगे नहीं देंगे, किस तरीके से होगा, बट यहाँ तक तो मैं आ चुकी हूँ। अभी अंदर से यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना किस हिसाब से बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत हाईएस्ट पीक पे, एंड यहाँ से दर्शन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। अब मुझे नहीं पता कितना कितना चीज़ें हैं, तो सी बाबा जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। सो मैंने अभी अंदर गुरुद्वारे को जाकर दर्शन कर लिए, ऊपर एक तपस्थल है जो बहुत ऊंची चढ़ाई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कलवल में दोबारा से एक बार आकर कल परसों में आकर फिर दोबारा ट्राई कर लूँगी, पर अभी आज मुझे संगम जाना है एंड यहाँ लंगर खा लिया मैंने, लंगर खाने के बाद लंगर की चाय एंड देन फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। थोड़ी प्यारी सी स्टोरी रही है यहाँ की और अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी, मैं वॉइस ओवर के थ्रू बता दूँगी आपको, थोड़ा वो ठीक रहेगा, सफिशेंट रहेगा विद द इंटैक्ट एंड परफेक्ट नॉलेज के साथ। तो मैं हूँ अभी संगम व्यू पॉइंट में, जहाँ पे एल्टीट्यूड आता है 10657 फीट का एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द यहाँ व्यू पॉइंट के, जो व्यू पॉइंट संगम का कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देखेंगे तो यहाँ से आप लगा लीजिए, मैं अभी बहुत हाइट पे हूँ, आई कांट हेयर माई वॉइस, मुझे नहीं सुनाई दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ क्योंकि मेरे कान ढके हुए हैं ठंड की वजह से, और मैं पीछे आपको लेकर चलती हूँ जहाँ से व्यू पॉइंट होता है एंड रोड के बिल्कुल कॉर्नर में चलना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है थोड़ा सिस्टम। यू कैन सी दिस लिटरली लाइक इट, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इस समय यहाँ पे अकेली हूँ, ना आगे ना पीछे कोई है, पूरा रोड पूरा सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। अगर मैं किसी को बोलूँगी भी तो कोई मेरे वीडियो भी नहीं शूट करेगा। दिस इज़ दी होल प्लेस विच इज़ ऑल एम्प्टी यहाँ पे, जहाँ पे मैं संगम व्यू पॉइंट के अंदर हूँ, और अमेजिंग वाइब है यार, अमेजिंग वाइब है। हेलमेट उतारने का दिल नहीं कर रहा, बट आई शुड रिमूव दिस। यहाँ से आप देखिए मैं यहाँ पे खो गई हूँ आई गेस, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना है मैग्नेटिक हिल्स, बट आसपास में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ से ये जा रहा है चिलिंग की तरफ, मतलब ये निराग पदम। भैया मैग्नेटिक हिल्स, मैग्नेटिक हिल्स के लिए आप ही जा रहे हो? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक हिल्स के लिए जा रहे हैं, मिल गया रास्ता मुझे, मैं अकेले भटक रही रोड पे, हिम्मत है और इसके पीछे पीछे लगा लूँ, चलो इससे पहले कि भाग ले स्कूटी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
चुकी हूँ इस टाइम पे फाइनली खोने के बाद में। मैं मैग्नेटिक हील्स को क्रॉस कर चुकी थी, और क्यों इसे मैग्नेटिक हील्स बोला जाता है ये मुझे नहीं पता। उस तरफ रोड के जाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर आती हूँ, आपको व्यू दिखाती हूँ। देखो ये रोड है, और यहाँ से ये देखो, ओ आई गॉट इट, वहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक हील्स, तो उस पे लोग जाते हैं। क्या चलता है वहाँ पे आई डोंट नो, आई गेस कोई राइड होती है। तो मैं मैग्नेटिक हील्स की तरफ वहाँ जा रही हूँ, जाकर देखती हूँ। स्कूटी तो मैंने ऐसे लगा कर छोड़ रखी है, पहले मेरे बाप की है, और कोई कुछ कहे ना कहे भाई, एक इसके बाद संगम जाना है मुझे। संगम का टाइम बचेगा नहीं बचेगा आई डोंट नो, तो आई विल गो एंड विल क्लिक अ पिक्चर मैग्नेटिक हील्स की तरफ, एंड मैं जाकर देखती हूँ वहाँ, जब तक लोग हैं तब तक दिखा दूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द मैग्नेटिक हील एरिया, और ये पूरे मैग्नेटिक हील एरिया पे यहाँ पे मतलब कुछ राइड्स होती है, तो राइड्स होकर आप जा सकते हैं वहाँ पे। एक छोटा सा उन्होंने वो बना रखा है, आप उस स्टेशन पार्क को एंजॉय कर सकते हैं, और दो जैसे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप भी वहाँ पे आकर कर सकते हैं। और पता है मैंने ये वाला रास्ता क्रॉस कर दिया था, एंड मैं क्रॉस करके संगम पॉइंट पे चली गई। संगम पॉइंट बहुत आगे था, दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी दूर आकर फिर वापस आना पड़ेगा। तो समवेयर लाइक दैट मैं यहाँ आ चुकी हूँ मैग्नेटिक हील्स के ऊपर, एंड विल क्लिक सम पिक्चर्स। अंदर जाकर देखती हूँ क्या है और दिखाती हूँ किस तरीके से क्या राइडिंग वाइडिंग का क्या चक्कर है यहाँ पे, ठीक है। मैं मैग्नेटिक हील की तरफ जाने वाली थी अंदर की तरफ, बट मुझे पता लगा कि इनकी मैग्नेट काम नहीं कर रही है। या तो ये मेरे साथ ऐसा हो गया और लोग पेट्रोल डालकर ही ऊपर चल रहे हैं, वरना तो भाई ये रोड जो है मैग्नेटिक हील्स की वर्क कैसे करता है कि आप यहाँ पे अपनी ये जो ये इनकी मोटर बाइक्स है, इन मोटर बाइक्स को आप लेकर रोड पे आते हो और ये अपने आप ही ऊपर चढ़ने लग जाती है, और आपको मतलब इसके अंदर कुछ फ्यूल नहीं डालना पड़ता, समथिंग ऐसा मुझे बताया गया है जिस तरीके से। एंड थैंक्स टू दीज राइडर्स, इन्होंने करी है, मैं भी आ रही हूँ उसमें। Then I should also come again. आप आई थी? हाँ आम है। I was like कि these writer, ये मेरे ब्लॉग में आओगे आप लोग। So ये इन राइटर ने मेरी पिक्चर क्लिक करी है, and he's the one. और ये लोग घूमने आए, कहाँ से आए आप लोग? उड़ीसा से, कर्नाटक से, बताओ देखो हम लोग दिल्ली वाले, अगर हम लोगों को लग रहा होता है। बट हाउ की एडवेंचर यहाँ पे, मतलब बाइक चलाने का कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। रोड इतने प्यारे देखकर मैं अकेली इसलिए स्कूटी लेकर निकल गई कि कोई आए ना आए, आई विल ट्रैवल ओवर देयर। हाँ सोलो ट्रैवल, यू डू? अच्छा तो आप लोग तो साथ में होंगे ना? आई एम द वन ओनली सोलो ट्रैवलिंग। अच्छा अच्छा, एंड वो जो पूरा गए थे वो लोग? हाँ वो लोग तो मुझे गुरुद्वारे में भी मिले थे वो लोग, बट तो गुड फॉर लक, थैंक यू। तो यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक हील अभी काम नहीं कर रही है, हम लोग इसे संगम पे चलते हैं नीचे की तरफ उतर के। आई एम श्योर कि दैट पॉइंट ही ओनली है जो आगे से रोड जाकर नीचे उतरता है, वही वाला है ना जहाँ से मनाली की तरफ रास्ता निकलता है? यहाँ से आगे जाके, हाँ अच्छा यू टर्न, ठीक है ठीक है, हाँ बस निकल रही हूँ मैं। सो इट्स ऑलरेडी 6 o'clock, और मुझे पता लग रहा है मैग्नेटिक हील्स पे क्या है। मैग्नेटिक हील्स पे ये जो रोड है, इस रोड पे है ना ये जो मोटर बाइक से अपने आप चलती है, अपने आप चलने लग जाती है, और यू डोंट हैव टू ATV राइड्स जिसे बोलते हैं, और आपको इसको ना वो नहीं करना पड़ता, पेट्रोल फ्यूल अब कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट ये अपने आप चलती है। तो दिस वॉज समथिंग, बट बाय डिफॉल्ट मेरा लक बहुत ख़राब है, इनकी ये मैग्नेटिक हील्स काम नहीं कर रही है, तो हम कल परसों में दोबारा ट्राई करेंगे इस चीज़ के लिए। डन, बाय बाय। तो मैं सीधे अब वहाँ की तरफ जाऊँगी, एंड आई विल गो, आई विल सी किस तरीके से चीज़ें होती है। देखो मैं सस्ता ब्लॉगर हूँ, बट मेरी चीज़ें सस्ती नहीं है, ठीक है चलो। तो मैं अभी आ चुकी हूँ संगम में, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट।
हमने मनाली में राफ्टिंग करी है, हमने करी है ऋषिकेश में राफ्टिंग, हम जिसे हाईएस्ट बोलते हैं, बट दिस इज द हाईएस्ट वन, जो हाईएस्ट एरिया आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैंने पहले तो ये हेडबैंड हटा लिया था, और ये इनका एक संगम कैफ़े है छोटा सा यहाँ पे, जहाँ पे आप डॉग्स आपको दिखेंगे, वहाँ एक छोटा सा प्री वेडिंग शूट चल रहा है। एंड मैं नीचे की तरफ आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखता है ये। तो पहले तो कुछ शॉट ले लूँ, अदरवाइज क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना, तो अंधेरा होते के साथ ही नहीं ले पाएंगे। एंड आप सोच के देखिए, आई एम एंजॉइंग दिस ट्रिप अ लॉट। दिस इज द वे यहाँ से नीचे जाने का। वन थिंग, अरे मेरे बालों को क्या हो रखा है, मैं कैसी जानवर बंदी चली जा रही हूँ। तो चलो छोड़ो, बालों का तो जुगाड़ देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैं अभी लेक के पास बैठ गई हूँ थोड़ी देर, पैर सीधे कर लेती हूँ क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे हैं, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते वैसे, बट इतनी लेक है, यही देख कर खुश हूँ मैं, क्योंकि पानी के अंदर मेरा सिस्टम इतना है, पानी के किनारे बैठ कर ही मज़ा आ जाता है मुझे, मैं दूसरी चीज़ों से इतना वो नहीं करती, खफा नहीं होती हूँ मैं। और इस पत्थर को ज़रा मैं जूते के नीचे लगाऊंगी, अब मजा आ रहा है। पीछे मेरे एक लड़का था जिसे मैंने पिक्चर्स क्लिक करवाई, अब वो मुझे यूँ देख रहा है जैसे पागलों की तरीके से, क्योंकि वहाँ तो प्री वेडिंग चल रहा है, अब इनका शॉट हो चुका है, वो वापस ला रहे हैं उनको। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर में प्री वेडिंग का नतीजा कैसा होता है, अगर सही रहा तो मैं भी अपनी करवा लूँगी यहीं पर, अच्छे शॉट आए तो उनके मम्मी दिखा दो कैसे शॉट चल रहे हैं। बट ऐसा वाला गेरुआ वाला सीन चल रहा है यहाँ तो, जैसे गेरुआ गाने में हुआ था। सो वेल, ऑल इन ऑल अभी तक तो मैंने यहाँ ये विजिट कर लिया है, इसके बाद देखती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ नहीं जाऊँगी। कि पत्थर उठा उठा के चट्टान के अपने शूज़ के नीचे रख रही हूँ, क्योंकि मैं शूज़ नहीं गंदा करना चाहती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारी जगह ट्रैवल कर लिया, बहुत सारी जगह विजिट कर लिया, ब्लॉग अभी वाइंड नहीं करूँगी क्योंकि इसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी, छोटे से कैफे विजिट करूँगी, वहाँ दिखाऊँगी। देखा किस तरीके से मेरा पूरा दिन था, मैं घूम गई, घूम ली, खो गई, खोकर वापस आ गई, रोड पे एक जगह चार बार आ चुकी हूँ, जबकि मैं संगम यहाँ पे पहले आ सकती थी। तो इतना सा पास में है ये रहा, ज़्यादा कुछ दूर डिस्टेंस नहीं लगा, और आई कैन सी द ब्यूटी, पानी अच्छा लग रहा है, और पानी तो स्थिरता मुझे बहुत ज़्यादा वैसे भी शांति देती है, तो इट्स ब्यूटी ट्रू। तो शाम का वक्त हो चला है और अंधेरा होने को आ रहा है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ संगम से, और अब आगे जाऊँगी सीधे लेक की तरफ, पिंतुक मॉनेस्ट्री जाना है मुझे। अब देखते हैं पिंतुक मॉनेस्ट्री पहुँच पाती नहीं पाती हूँ, क्योंकि जितने टाइम की लग्जरी थी उतना टाइम मैंने बहुत ज़्यादा घूम ली है। एंड लेट्स सी, कोई बात नहीं, ज़्यादा लगेगा तो कल फिर दोबारा देख लूँगी, आ जाऊँगी, बट ऐसे मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द राइड, और ये मेरी स्कूटी है पता है, यू नो इट। चलो चलते हैं, एंड विल शो यू देयर। इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं, पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं, शायद गिर के संभलना ही है
क्या नहीं है और क्या सही है और क्या नहीं है और क्या सही है।